हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चटाकेदार स्वाद। आज हम बनाने वाले हैं टिफ़िन बॉक्स में चॉकलेट केक, और ये चॉकलेट केक बनेगा सिर्फ़ और सिर्फ 20 रुपए में। तो चलिए शुरू करते हैं। चॉकलेट केक बनाने के लिए आपको चाहिए 2 पैकेट टाइगर बिस्किट। ये 1 पैकेट 10 रुपये का आता है और 1 पैकेट का वज़न है 64 ग्राम। टोटल हमने यूज़ किया है 128 ग्राम। अब हम इन बिस्किट्स को एक बाउल में तोड़ देंगे। ज़्यादा फाइन तोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हम इनको ग्राइंड करने वाले हैं। अब हम ऐड करेंगे 2 चम्मच चीनी, 2 चम्मच मिल्क पाउडर और इसको हम कर देंगे ग्राइंड। अब हम इस मिक्सचर में डालेंगे 1 कप रिफाइंड ऑयल, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, और 1/2 कप बेकिंग पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप मिल्क। आपको मिल्क एक साथ नहीं डालना है, आधा आधा करके डालना है जब तक हमें पोरिंग कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाए। अब हम करेंगे इसको मिक्स। हमने पूरा 1/2 कप यूज़ नहीं किया है, 1 चम्मच के करीबन मिल्क बच चुका है। अब हम हमारे टिफ़िन बॉक्स में ऑयल ग्रीस करेंगे और इसमें एक बटर पेपर भी लगा देंगे। अब हम हमारा केक बैटर जो है इस टिफ़िन बॉक्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। हम इसको 2 बार टैप करेंगे। अब आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड किए हैं ब्लैक करंट्स और पिस्टैशियोस। हम हमारे प्रेशर कुकर को प्रीहीट कर देंगे विदाउट विसल 10 मिनट के लिए। अब हम इसमें हमारा स्टैंड और टिफ़िन जिसमें हमने बैटर डाला था वो प्लेस कर देंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। 20 मिनट बाद हम इसमें टूथपिक डाल के चेक करेंगे। टूथपिक क्लीन नहीं है तो इसलिए हमने इसे वापस से प्रेशर कुकर में रख दिया। अब हमने इसको 35 मिनट्स बाद चेक किया तो हमारी टूथपिक एकदम ही क्लीन थी। इसका मतलब यह है कि आपका केक परफेक्टली बेक हो चुका है। हमारा सॉफ्ट बिस्किट स्पॉन्ज केक बनकर तैयार है। सर्व करने से पहले आप इसको फ्रिज में रखें। अगर आपको ये वीडियो आती है पसंद तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन थैंक यू सो मच।